नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक इन्वर्टर के आउटपुट को, जो एसी आउटपुट होता है जो 220 वोल्ट सप्लाई करता है, उसको हम शॉर्ट कराएंगे। उसको शॉर्ट कराने के बाद देखेंगे कि इन्वर्टर में क्या क्या नुकसान होता है और उसको जानेंगे कि वो क्या ठीक हो सकता है हम लोगों से, या उसको कॉल करना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर करना पड़ेगा और सर्विस इंजीनियर को बुलवा के ठीक कराना होगा। तो देखते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है एक लुमिनस का इन्वर्टर और एक छोटी ही बैटरी लिया है, 12 वोल्ट की बैटरी है ये। इस इन्वर्टर को मैं खोल लिया हूँ, खोल लेता हूँ ताकि जो है आप देख सकें इसमें क्या होता है। हो सके कि ये फ्यूज़ जल जाए या ये इधर का बोर्ड जल जाए या ट्रांसफार्मर जल जाए। तो देखते हैं हम इस वीडियो में कि क्या होता है। सबसे पहले हम जो है इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले रिमूव कर लिया, इसको प्लस में कनेक्ट कर दिया और इसको जो है माइनस में कनेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पे मैं लोड लगा के रखा हूँ, बल्ब जल रहा है। मैंने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट किया, देखिए दोस्तों ये बल्ब जो है जल रहा है इस इन्वर्टर से। इन्वर्टर को मैं ऑफ करूँगा, ये बल्ब जो है बुझ जाएगा, ये जल रहा है। अब मैं इसको जो है शॉर्ट सर्किट कराऊंगा आगे के वीडियो में, देखिए। मैंने इसको शॉर्ट कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोटा वायर लिया है। तो सबसे पहले जो है मैंने इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब जो है इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इन्वर्टर जो है ओवरलोड करके ही हो रहा है, बीप हो रहा है। अभी तक मैंने लगा रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, जबकि ये जो है यहाँ पे शॉर्ट हुआ है और यहाँ पे जो है लोड ये जल रहा है यहाँ पे। मैंने अभी भी इन्वर्टर जो है ओके है, आपका ख़राब नहीं हुआ है। अब इसको हमें शॉर्ट सर्किट कराना है जबकि ये चालू है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से। अभी भी ये इन्वर्टर जो है शॉर्ट सर्किट कराने के बाद भी जो है ओवरलोड करके ये बंद कर दिया है। देख सकते हैं ये वाला ओवरलोड वाला बत्ती ब्लिंग हो रहा है क्योंकि जो है शॉर्ट सर्किट कराया है। तो आपका इन्वर्टर जो है, लुमिनस का इन्वर्टर जो है, शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद भी ये सर्वाइव कर रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो है सेफ्टी जो है, इसका जो वर्क कर रहा है वो काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो में बस बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।